कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रहे हैं, तो ये तो एक सरप्राइज़ है। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि मैं आपको भी इंजॉय करवाऊँ, अपने साथ साथ आपको भी लेके चलती हूँ जहाँ जहाँ पर हम लोग जाएंगे, तो मैं आपके लिए भी ज़रूर चूज करूँगी। तो देखिएगा हमारा मुल्तान शहर कितना खूबसूरत है। आज हम मुल्तान शहर की 2-3 प्लेसेस को ही विज़िट करने जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ चलिएगा और बहुत ही इंजॉय करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और बेल बटन को ज़रूर हिट कर रहे हैं। बेल बटन को क्लिक करते ही मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचेगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मुल्तान गैरिसन पब्लिक लाइब्रेरी, और ये मुल्तान शहर की सबसे बड़ी और सबसे ओल्ड लाइब्रेरी है। तो चलिए आज का दिन देखिए किस कदर खूबसूरत सनी डे है, और ऐसे ही दिन बाहर निकलने का भी मज़ा आता है। और इस वक्त हम लोग कैंट के इलाके से गुज़र रहे हैं, और कैंट कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा इलाका है और खुली खुली जगह है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ, और चलिए मैं आपको गैरिसन लाइब्रेरी का भी विज़िट करवाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पर आते ही एक पल के लिए तो हम लोग इसको देखते ही रहे, बिल्डिंग को। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी, वाइट कलर की। फिर अपने साथ अपने जो बच्चे थे उनको मैनेज किया और लाइब्रेरी के अंदर लेकर गए, और यहाँ पर जो लाइब्रेरी की इंतज़ामिया थी उन लोगों ने हमें गाइड किया और हमें एक एक हॉल के बारे में बताया। सबसे पहले तो यहाँ पर वेलकम बोर्ड था, तो वेलकम किया उन लोगों ने। उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा किताबों का ख़जाना मौजूद था, और जो सचमुच जिन लोगों ने इल्म हासिल करना उनके लिए पेशबहा कीमती ख़जाने से कम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर सोशल साइंस और सोशल साइंस के ब्लॉक्स हैं, इसके अलावा इकबालियात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कायद आज़म लियाकत अली ख़ान, बहुत सारे जो है ना टॉपिक्स पर यहाँ पर बुक्स मौजूद थीं। और इसके अलावा यहाँ पर किड्स के लिए भी एक पोर्शन बना हुआ था, और यहाँ पे ये देखिए ऊपर हुक्स लगे हुए हैं। ये लाइब्रेरी के अंदर जो है एग्ज़िबिशन हॉल है, तो एग्ज़िबिशन में जो किड्स वगैरह अपनी नुमाइश करना चाहते हैं अपनी बनाई हुई चीज़ों की, तो वो भी हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़िंदगी के हर हवाले से बुक्स मौजूद थीं। तो आप देखिए, ये मैं 2-4 बुक्स देख रही हूँ। सुनो प्यारे बेटे मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें लड़कों के लिए गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा कुछ सियासी कुतुब थी। तो आप देखते रहिए मेरे साथ साथ, इंजॉय कीजिए। यहाँ पर कुछ बच्चों के मैगज़ीन, बड़ों के मैगज़ीन्स और बच्चों के रिसाले, और ये देखिए जासूसी डाइजेस्ट, ये चीज़ें भी मौजूद थी। इसके बाद आगे चलिए, कम्यूनिटी हॉल है। तो एक बात का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा जाता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। तो ये देखिए, ये लाइब्रेरी की वॉल्स हैं, किस कदर खूबसूरत डेकोरेटेड हैं, और ये लाइब्रेरी के अंदर सारा मंज़र आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया। अब हम लोग चिल्ड्रन पोर्शन में ही जाने वाले हैं, तो अब देखिए कि चिल्ड्रन के हवाले से किस कदर बुक्स के ज़खीरे मौजूद हैं। तो अगर कोई इस लाइब्रेरी में आना चाहे, क्योंकि ये पब्लिक लाइब्रेरी है और यहाँ पर कार्ड बनवा सकते हैं, उसकी बहुत ही मामूली सी फ़ीस है, और वो पे करके आप लोग मंथली यहाँ पर अपने लिए बुक्स इशू करवा सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये किड्स पोर्शन है सारा, तो 5 सेंसेस के बारे में एक्सप्लेन्ड है ये सारा कुछ। तो ये देखिए मेरे साथ, जी तो चलिए जी, अब हम चनाब पार्क जाने के लिए तैयार हैं। दोबारा से अपनी बसेज़ में बैठ चुके हैं, और सारा रास्ता हमने बहुत इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे और गाने गाते रहे। और बहुत ही जल्द हम लोग चनाब पार्क पहुंच चुके थे, और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल चेक करें बच्चों का, हंसी और मज़ाक चल रहा था और ख़ुशी से कह कहल गा रहे थे बच्चे, खुश हो रहे थे। और अब आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा, यहाँ पर मैं आपको पूरा चनाब पार्क विज़िट करवाती हूँ। बहुत ही तरह तरह के यहाँ पर राइड्स थी, और
यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, बच्चों ने यहाँ पर आते ही कुछ चीज़ें बाय कर ली। और यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी झील सी बनी थी जिसमें डोनाल्ड डक वाली ट्रेन थी, तो इसकी भी हमने राइड ली थी। तो चलिए जी, आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा, यहाँ पर टी कप पर इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की राइड्स हैं जो कि हम लोग अपने बच्चों को इंजॉय करवा रहे हैं, और बहुत ही मज़ा किया हमने इस दिन, बहुत ही हमारा ये यादगार ट्रिप रहा। तो चलें, आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें। तारिन, थक गए हो? कितने झूले लिए अब तक आपने? दोनों में क्या हालत बनी आपकी? मैं बहुत खुश हूँ।